हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण दे लई तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। ते अज दी पहली वड्डी खबर है भाई अमृतपाल सिंह दे खिलाफ़ एक होर FIR कीती दर्ज, ग्रंथी सिंह नूं धमकाउण दा लग्गिआ आरोप। तो दोस्तों तुहानूं दस दईए कि पंजाब पुलिस ने बारस पंजाब के मुखी भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ़ एक होर FIR दर्ज की है। भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ हुण ग्रंथी सिंह नूं बंदी बनाउण दे मामले अंदर केस दर्ज किया गया है। पिंड नंगलंबियां दे गुरद्वारा साहिब दे विच ग्रंथी सिंह दे घर बंदूक दिखा के धमकाउण ते तकरीबन एक घंटा उत्थे रुकिआ रिहा, जिथे कहा जा रहा कि उत्थे ही ग्रंथी दे बेटे दे कपड़े पा के उत्थों अपना भेस बदल के निकल गया है। दस्सिआ जा रहा कि ग्रंथी सिंह दे घर रिश्ते वास्ते लड़के नूं देखण लई कुड़ी वालिआं ने आउणा सी, पर घर वालिआं नूं पहलां तां इह भुलेखा पिआ कि उहनां दे रिश्तेदार आए ने, पर अमृतपाल ने रिश्तेदारां दे वास्ते तैयार किया खाना भी उत्थे खाधा ते ग्रंथी सिंह दा फोन वरतदे हुए भाई अमृतपाल सिंह अपने साथियों नाल फोन किया ते पिंड नंगलंबियां तो अमृतपाल सिंह मोटरसाइकिल ते सवार होके अगे फरार हो गया है। अगली खबर है भाई अमृतपाल सिंह दे घर पहुंची पंजाब पुलिस परिवार तो की जाएगी पुछगिछ। तो दोस्तों पंजाब पुलिस अमृतपाल दे घर पहुंची है। दसिया जा रहा है कि पिछले कई दिनों तो पिंड जल्लूपुर खेड़ा दे पिंड दे बाहर पुलिस ने सख्त पहरा दिता हुआ है ते DSP हरकृष्ण सिंह ते महिला उच्च अधिकारी दे नाल कई पुलिस कर्मचारी अमृतपाल दे घर पहुंचे ने। अमृतपाल के घर माता पिता ते उन्हां दे परिवार तो पुछगिछ की जाएगी। अमृतपाल का परिवार पिंड जल्लूपुर खेड़ा दे विच रहिंदा है। फिलहाल गलबात हुंदी है जदों पुलिस अधिकारियों नूं पता लग्गिआ कि उन्हां दे घर पत्नी अते NRI खाते दे विच कंघाले जा रहे ने ते पता लगाउण दी कोशिश भी की जा रही है कि किते उन्हां दे खाते तां खालिस्तानियां दे नाल कोई संबंध तां नहीं। दस दईए कि भगौड़े अमृतपाल सिंह ते पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन चला के पुलिस ने उसके कई साथियों नूं गिरफ़्तार भी कर लिया गया। अगली खबर है मनीष सिसोदिया 5 अप्रैल तक भेजा जेल, राउस अवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। तो दोस्तों तुहानूं दसीए कि आबकारी नीति के मामले अंदर दिल्ली के सबक उप मुख्यमंत्री आप दे नेता मनीष सिसोदिया दीआं मुश्किलां वधदीआं जा रहीआं ने। ED ने 5 दिन का रिमांड खत्म होने तो बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली की रौंझ अवेन्यू अदालत में पेश किया है। एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने इस मामले अंदर सिसोदिया तो पुछगिछ करने के लिए होर रिमांड की मंग नहीं की, जिसके मद्देनज़र अदालत ने सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिता है, जिस तो साफ होंदा कि सिसोदिया कुछ दिन होर जेल के कटने पैणगे। अगली खबर है हुण करतार सिंह सराबा दे शहीदी दिहाड़े मौके पंजाब दे विच होवेगी छुट्टी, CM भगवंत मान। तो दोस्तों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा दे विच आख्या है कि शहीद करतार सिंह सराबा दे शहीदी दिहाड़े मौके पंजाब दे विच छुट्टी का ऐलान किया गया। तुहानूं दस दईए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 16 नवंबर नूं शहीद करतार सिंह सराबा दे शहीदी दिहाड़े मौके हुण पंजाब दे विच सरकारी छुट्टी ऐलानी गई है। अगली खबर है 1 अप्रैल तक रिहा हो सकते ने नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन ते बादलों ते साध्या निशाना। तो दोस्तों पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू 1 अप्रैल दे विच जेल तो बाहर आ सकते ने। सूत्रां दी मन्निए तां उन्हां दी रिहाई 1 अप्रैल नूं हो सकती है। जानकारी दे मुताबक नवजोत सिंह सिद्धू नूं अपनी पूरी सज़ा दौरान कोई छुट्टी ना लैण दा लाभ मिल सकता है। उंज किसी भी जेल अधिकारी ने इस दी पुष्टि नहीं की, पर नवजोत कौर सिद्धू ने इसका दावा किया कि नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई 1 अप्रैल नूं हो सकती है, जिस दौरान नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह अते बादलों ते निशाना भी साध्या। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर अते बादलों की साजिश के कारण नवजोत सिंह सिद्धू सलाखां दे पिछे ने ते नवजोत कौर सिद्धू ने अपने कैंसर स्टेज 2 की सर्जरी करवाउण दे लई डेरा वसी दे एक निजी हस्पताल दे विच पहुंचे सन। अगली खबर है पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, भाई अमृतपाल सिंह के विरुद्ध LOC NVW जारी, हुण तक 154 व्यक्ति किए गिरफ़्तार। तो दोस्तों पंजाब पुलिस वल्लों भगौड़े करार किए गए बारस पंजाब के मुखी के जथेबंद
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਕਨੀਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ DSP ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਬਰਖਾਸਤ, DSP 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੇਖੋ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸੋਨਾ 58,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 0.9% ਵੱਧ ਕੇ $1,960 ਦੀ ਔਸਤ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 58,505 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਤੋਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ 274 ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 68,668 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ 9ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ $15.15 ਤੋਂ 7% ਵਧਾ ਕੇ $16.65 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15.5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ $17.5 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 26,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,566 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी ने लोग सभा दे विच दस्या है कि आमदन कर विभाग ने डिफाल्टरां वालों छुपाई की विदेशी आमदन ते स्रोतां दे नाल निजिठण लई पिछले 4 सालों के वित्तीय धन दे विच काला धन कानून तहत 13,568 करोड़ के टैक्स डिमांड नोट्स भेजे ने। दस्या गया कि 2021 ते 22 दे विच आमदन कर विभाग वालों 183 बलंकन ऑर्डर पास किए गए हैं ते 5,350 करोड़ के डिमांड नोट्स कढ़े गए ने। इस तरह डिमांड नोट्सों के पूरे वेरवे दिंदिया उन्होंने कहा है कि 2018-19 तो शुरू हुए अगले 4 वित्तीय वर्षों में कुल 349 नोट्स कढ़े गए हैं ते डिफाल्टरां नूं कुल 13,566 रुपए भरन दे लई आख्या गया है। अगली खबर है भाई अमृतपाल सिंह जिहड़े मोटरसाइकिल ते भज्जिया सी उह पुलिस ने जलंधर दे नहर नेड़ियों कीता बरामद। तां दोस्तों तुहानूं दस्सीए कि जलंधर दे SSP ने दस्सिया कि बारस पंजाब दे अते जथेबंदी दा मुखी अमृतपाल सिंह जिस मोटरसाइकिल ते सवार हो के भज्जिया सी पुलिस ने बरामद कर लिया ते इह मोटरसाइकिल जलंधर दी नहर कोल मिलिया ते इह मोटरसाइकिल पिंड दारापुर दे विच छड्ड के फलौर वाले पासे नूं भज्जिया सी। अगली खबर है विदेशों तो फंड मामले के पुलिस ने अमृतपाल सिंह की पत्नी तो पुछ पड़ताल की। तो दोस्तों तुहानूं दस्सिए कि DSP की अगवाई के पुलिस अधिकारियों ने फरार चल रहे अमृतपाल सिंह के जद्दी पिंड जलूपुर खेड़ा के उन्होंने धर्म पत्नी तो पुछ पड़ताल करने के लिए पहुंची जिथे उन्होंने पत्नी बरतानिया की है तो उसका वारस पंजाब के लिए विदेशों तो कथित तौर पर फंड इकट्ठा करने के नाम बोलता। इस तो पहला DSP रैंक की महिला अधिकारी ने उन्होंने घर जाके उन्हां दी पत्नी अते होर परिवारक मैंबरां तों भी पुछ पड़ताल कीती सी। अगली खबर है पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फसलों की गिरदावरी करन दे दित्ते हुक्म। तां दोस्तों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे दे विच मींह अते गड़ियां दे कारण कणक दी फसल दे नुकसान दे मद्देनज़र अज गिरदावरी करन दे आदेश दे दित्ते ने। पिछले दिनों के पे मीह ने पंजाब के कणक दिया फसल विसा दतिया ने ते हाले भी बदलवाई बनने के कारण पंजाब के मुख्यमंत्री ने सारे DC कमिश्नर हुक्म कर दते ने कि जल्दी तो जल्दी बनते जिलों के गिरदावरी करा के तुरंत कार्रवाई की जाए अते बनते किसानों के हुए घाटे के कारण हुए नुकसान नू दे तहत किसानों मुआवजा मुहैया करवाया जाए। पंजाब के कई जिलों में फसलों का भारी नुकसान होया जिस नाल किसानों के लागत खर्चे भी बदलने शुरू हो गए ने। फरवरी महीने में पहला तपस बदन कारण किसानों मार झलनी पई सी जिस कारण किसानों हुण रहिंदी कसर मीह ने कढ दित्ती है। किसानों झार घटन का कदसा गा हालांकि इस दफा कणक के भाव उच्चे रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा गा। अगली खबर है पाकिस्तान अते अफगानिस्तान दे विच भजाल दे कारण 12 लोकां दी हुई मौत ते 160 होए जख्मी। तां दोस्तों पाकिस्तान दे कई हिस्सों विच 6.8 शिद्दत वाले भजाल दे झटके महसूस किए गए ने जिस कारण 9 व्यक्तियों दी मौत हो गई है ते 160 तों वध लोकां दे जख्मी होण दी खबर मिली है। अफगानिस्तान दे विच भजाल कारण 3 जानां वी गईआं ने। तो दोस्तों ये सन अज सवेर दियां ताज़ा ते मुख वड्डियां खबरां। जे तुहानू साडा ये वीडियो ते जानकारी वधिया लगदी है तो अपने दोस्तों मित्रां नाल अगे शेयर जरूर कर दिया करो ते जे तुसी चैनल ते पहली बार आए हो जां चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नू हुणे सबसक्राइब कर लिओ ते नाल बने घंटी नू भी दबा दिओ जिस नाल तुहानू आउण वाली हर एक नवी खबर दा नोटिफिकेशन सब तो पहला मिलता रहूगा। तो इस वीडियो दे विच इन्ना ही मिलदे आ किसी नैक्सट वीडियो दे विच किसी होर नवी जानकारी दे नाल। तद तक लई तुसी साडे नाल जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद।